नमस्कार साथियों आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाई जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है किसके द्वारा मीडिएटेड होता है तो पहले तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को समझते हैं जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है तो वो हो गया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और जब वही सेम एंटीजन हमारी बॉडी में दूसरी बार जब एंट्री करता करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना चुकी होती है और उस पर सीधा सीधा अटैक कर देती है तो ये हो गया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके द्वारा मीडिएटेड मीडिएटेड होता है ऑप्शन ए आई ऑप्शन बी आई ऑप्शन सी आई ऑप्शन डी आई जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है यह मीडिएटेड होता है आई जी के द्वारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा द कनेक्शन बिटवीन अल्ट्री एंड वेन इज़ नॉन एज अल्ट्री और वेन का जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए कैपलरीज ऑप्शन बी अल्ट्रियोल्स ऑप्शन बी अल्ट्री ओल्स ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है और ऑप्शन सी विनोल्स ऑप्शन डी लिम्प तो अर्टरी और वेन के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं कैपिलरीज को थोड़ा समझ लेते हैं जैसे ये अर्टरी हो गई और ये वेन हो गई अर्टरी और वेन हो गई जो हमारी अल्ट्री होती है वह छोटे छोटे अलट्रील्स में विभाजित हो जाती है और ये अर्ट्रियोल्स हैं टिनी वेसल्स में बदल जाती हैं टिनी वेसल्स और ये टिनी वेसल्स से जो कैपलरीज से ब्लड होता हुआ टिश्यू से एक्सचेंज होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का और फिर ये बिनुल्स में जाता है और विन्युल्स से होता हुआ सीधा बैन के थ्रू बिन में चला जाता है तो यहाँ पे ये अल्ट्री हो गई ये बैन हो गई और ये अल्ट्रियोल्स हो गए ये बीनोल्स हो गए और इनके बीच की जो ये होती हैं ये कैपलरीज़ कहलाती हैं इनको हम एक्सचेंज बेसल भी बोलते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ इजेक्टेड फ्रॉम द हर्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड जो हमारा ब्लड होता है वह है एक इजेक्शन में एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने में हर्ट के जो ब्लड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट ऑप्शन बी स्ट्रोक वॉलीम ऑप्शन सी प्रीलोड ऑप्शन डी आफ्टर लोड देखिए सबसे पहले हम प्री लोड और आफ्टर लोड को समझते हैं प्री लोड क्या होता है जैसे हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया जब लेफ्ट वेंट्रिकल में बिल्कुल डायलो डायस्टोलिक पोजीशन में यानी रिलैक्स पोजीशन में इसके जो ब्लड फिल होता है जैसे ये लेफ्ट एट्रियम हो गया यहाँ से ब्लड आता है और ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होता है उस टाइम इसमें जितना ब्लड ब्लड फिल होता है उसको हम प्रीलोड कहते हैं डायस्टोलिक पोजिशन में रिलैक्स पोजिशन में जितना ब्लड इसमें कलेक्ट होता है उसको हम प्रीलोड बोल कहते हैं और इसी को हम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं और या हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और जो आफ्टर लोड होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड इजेक्ट करता है और इजेक्ट करने के दौरान जो फोर्स लगता है उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं तो प्री लोड आफ्टर लोड आप समझ गए होंगे अब हम चलते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा होता है वह एक बार में हर्ट कॉन्स्ट्रेक्ट करने में जितना ब्लड इजेक्ट करता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और कार्डियक आउटपुट क्या होता है जैसे हमारा जो हर्ट है वह नॉर्मली किसी व्यक्ति का अगर हर्ट एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है तो एक मिनट में जैसे फर्स्ट एक इजेक्शन में जो ब्लड इजेक्ट होता है वह एवरेज सेवेंटी एम होता है अब जो कार्डियक का आउटपुट होता है वह एक मिनट का निकाला जाता है जैसे सेवनटी एम एक इजेक्ट एक इजेक्ट होने में ब्लड एक बार कॉन्सटेक्ट करने में सेवेंटी एम ब्लड इजेक्ट हुआ और यही ब्लड एक मिनट में कितना होगा अगर नॉर्मली किसी व्यक्ति का ब्लड अगर सेवेंटी टू बार धड़कता है तो सेवेंटी सत्तर में गुण सेवेंटी टू का सेवेंटी टू का गुणा कर दीजिए तो सात सत्तों उनचास एवरेज पाँच लीटर कार्डियक आउटपुट जो होता है एक मिनट में हमारा जो हृदय है वह इजेक्ट करता है एवरेज पाँच लीटर ब्लड को तो उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं जो एक मिनट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया और एक बार में एक कंस्ट्रक्शन में हार्ट के एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना वॉल्यूम इजेक्ट होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एट ऑर्गन जो ब्लड सेल्स होती हैं वह किस ऑर्गन में बनती हैं ऑप्शन ए लिवर ऑप्शन बी थाइमस ऑप्शन सी रेड बोन मेरो ऑप्शन डी स्प्लिन देखिए ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये बनती हैं रेड बोन मेरो में जो रेड बोन मेरो होता है ये हमारी बोन में पाया जाता है और इसमें सभी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और ब्लेटलेट्स ये सारी जो जितनी ब्लड सेल्स होती हैं इन सभी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसमें लीवर और थाइमस और स्प्लिन लीवर और स्प्लिन क्या है जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन में ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम दो महीने तक दो महीने तक जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वह मैनली लीवर में होता है और स्प्लिन में भी होता है लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसफिशंसी ऑफ दिस सबस्टेंस इन द ब्लड मे लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी किसकी अपर्याप्त मात्रा होती है बॉडी में जब हमारी बॉडी में एडिमा हो जाता है ऑप्शन ए एल्बुमिन ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट्स ऑप्शन डी गैसेस तो जो एडिमा होता है उसमें गैसेस का कोई रोल नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये होते हैं हार्मोन्स कोई पर्टिकुलर हार्मोन होता है तो उसका तो हम सोच सकते थे लेकिन यहाँ पे हार्मोन्स का कोई रोल नहीं जो एल्बुमिन होता है ये क्या करता है हमारा ओनकोटिक प्रेशर जो होता है ओस्मोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करता है और ओनकोटिक प्रेशर जो होता है जो मेंटेन किया जाता है एल्बुमिन के द्वारा अगर जैसे ओनकोटिक प्रेशर होता क्या है जैसे हमारी ये ब्लड बेसल्स हो गई तो ये ब्लड बेसल्स में क्या करता है ये हमारी एल्बुमिन इसमें प्रोटीन ब्लड में चलती है तो ये ब्लड को ब्लड जो फ्लूड होता है उसको कैपलरी में खींचे रहता है उसको मेंटेन करता है अगर एल्बुमिन की कमी अगर इसमें कैपलरीज में हो जाएगी तो ये इंट्रावास्कुलर जो फ्लूड होता है वह इंटरस्टीसियल फ्लूड में या एक्स्ट्रा वास्कुलर जो स्पेस होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में एडीमा हो जाता है तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एल्बुमिन की कमी से हमारी बॉडी में एडीमा होता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर जो टोटल नंबर होते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के वो कितने होते हैं ऑप्शन ए बारह ऑप्शन बी तेरह ऑप्शन सी चौदह और ऑप्शन डी पंद्रह जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के जो नंबर होते हैं वह नंबर में होते हैं तेरह तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द विच ऑफ दीज टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट जो प्लाज्मा जो इनमें से दी गई प्लाज्मा प्रोटीन हैं इनमें से किसका जो रोल होता है वो ब्लड क्लोट के फॉर्मेशन में होता है ऑप्शन ए एल्बमिन ऑप्शन बी फाइब्रिनोजिन ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन और ऑप्शन सी जो ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबलिन देखिए इम्यूनोग्लोबलिनस होती हैं ये हमारी प्लाज्मा सेल के द्वारा सीक्रेट की जाती हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं और जो ग्लाइको जो होती हैं इम्यूनोग्लोबिन जो होती हैं ये क्या होती हैं एक ग्लाइको प्रोटीन होती हैं एल्बुमिन क्या करता है ओनकोटिक प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में जो हमारी प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो होती है फाइब्रिनोजेन तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज कौन सी विटामिन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में रिक्वायर्ड होती है आवश्यक होती है ऑप्शन ए विटामिन ऑप्शन बी विटामिन डी ऑप्शन सी विटामिन ऑप्शन डी विटामिन के देखिए जो विटामिन ए होती है, है यह विजन बिजन पिगमेंट यह बिजन बिजन में हेल्प करती है जो विजन पिगमेंट होता है रेडोप्सिन उसके लिए आवश्यक होती है ऑप्शन डी जो होती है यह अपनी जो हड्डियाँ होती हैं स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हेल्थी रखने के लिए आवश्यक होती है ऑप्शन सी जो है विटामिन ई e, यह एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और ऑप्शन डी विटामिन के जो होती है यह क्लोटिंग फैक्टर के लिए आवश्यक होती है जो क्लोटिक क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करती है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन इज ब्लड सेल्स जो हैं कौन सी है ब्लड सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोगुलेशन में ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल आर बी सी ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी बी सी ऑप्शन सी प्लेटलेट्स ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स देखिए ये जो रेड ब्लड सेल आर बी सी जो होती हैं यह है इनका काम होता है ऑक्सीजन को लाना टिशू तक और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना ये इनका काम हो गया ऑप्शन बी जो होता है डब्ल्यूबीसी बी सी ये हमारा इम्यूनिटी में हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें इन्वॉल्व होती है और ये न्यूट्रोफिल क्या है ये एक प्रकार की डब्ल्यू है और जो प्लेटलेट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोगुलेशन के लिए तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं प्लेटलेट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एफिशियंट हीमोस्टेटिस हीमोस्टेसिस एक्सेप्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉलोइंग आर इसेंशियल यानी दिए गए हैं इनमें से आवश्यक हैं फॉर एफिशियंट हीमोस्टेट हीमोस्टेसिस क्या होता है हीमो मतलब ब्लड हो गया और स्टेसिस मतलब रोकना हो गया जब हमारे शरीर से ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है केवल एक एक्सेप्ट लगा है तो केवल एक को छोड़कर तो इसमें तीन सही होंगे और एक गलत होगा उसको हमें देखना है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी विटामिन के ऑप्शन सी क्लोटिंग फैक्टर और ऑप्शन डी इंट्रेंसिक फैक्टर देखिए कैल्शियम एक प्रकार का क्लोटिंग फैक्टर है विटामिन के जो होती है यह क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन होता है और कोगुलेशन में हेल्प करती हैं तो उसमें हीमोस्टेसिस में हमारी कैल्शियम विटामिन के और क्लोटिंग फैक्टर तीनों इन्वॉल्व होते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है यह स्टमक की चीप सेल और पैराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट होता है जो विटामिन बी ट्वेल्व के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है तो एक्सेप्ट पूछा गया है तो ऑप्शन डी को छोड़कर ये सारे ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये सभी इसेंशियल होते हैं हीमो के लिए तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बिच प्रेजेंट इन हाइस्ट कंसंट्रेशन इज भाई कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है ऑप्शन ए एल्बुमिन ऑप्शन बी ग्लोबलिन ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिन और ऑप्शन डी फाइब्रिन जो एल्बुमिन होती है यह टोटल प्लाज्मा प्रोटीनस का फिफ्टी फोर परसेंट होती है और ग्लोबलिन जो होती है वह थर्टी एट परसेंट होती है होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का और एक होती है हमारी फाइब्रिनोजन जो सेवन परसेंट होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का तो एल्बोमिन फिफ्टी फोर परसेंट हो गई ग्लोबलिन थर्टी एट परसेंट हो गई थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है यह एक क्लोटिंग फैक्टर है जो को, को, कोगुलेशन और क्लोटिंग में हेल्प करता है और फाइब्रिन जो है यह फाइब्रीनोजन का कन्वर्जन जो होता है फाइब्रिन में तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोगुलेशन प्रोसेस ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में थ्रम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो लास्ट प्रोडक्ट है कोगुलेशन प्रोसेस का तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है चौवन परसेंट एल्बुमिन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सेसिव हीमोलाइसिस में ओकूमलेट दिस सबस्टेंस इन द बॉडी ज़्यादा एक्सेसिव हीमोलाइसिस मतलब बहुत ज़्यादा जब ब्रेक डाउन होता है आर का हीमोलाइसिस मतलब आर बी सी का ब्रेकडाउन तो जब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में ब्लड का तो उसमें किस चीज़ का सबस्टेंस जो अकूमलेसन होगा इकट्ठी होगी हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ बॉडी में इकट्ठी हुई ज़्यादा हुई तो ऑप्शन ए ग्लोबिन ग्लोबिन ऑप्शन बी मिनरल ऑप्शन सी हीम ऑप्शन डी ग्लोरोबिन देखिए ग्लोबिन जो होती है एक प्रोटीन होती है जो जैसे आर बी सी का ब्रेकडाउन होता है आर बी सी हमारी हीमोग्लोबिन से बनी होती है तो ये हीमोग्लोबिन ग्लोबिन, ग्लोबिन ये हमारा हीमोग्लोबिन हो गया तो ये एक हो गया हीमो मतलब हीम और ग्लोबिन एक प्रोटीन हो गई तो ये ग्लोबिन हो गई और मिनरल्स क्या होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सारे जो मिनरल्स होते हैं और हीम जो होता है जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट जो होता है यह क्या करता है ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें हीम आयरन आयरन अलग हो जाता है और एक पोर पिगमेंट होता है ये अलग हो जाता है जो आयरन क्या करता है ये दोबारा से रिओब्जर्व हो जाता है दोबारा से हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए और ये जो पोर पिगमेंट होता है यह है बिलीवर्डन में कन्वर्ट हो जाता है बिली बिली वर्डिन ये बिलीवर्डन बिली में कन्वर्ट हो जाता है ये बिलवर्डन कन्वर्ट हो जाता है बिलरुबिन में जो येलो पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में जोंडिस को काउज करता है बिलरुबिन एक्सेसिव हिमोलाइस से हमारी बॉडी में अकूमलेट होता है बिलरुबिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट इज जो प्लेटलेट होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है ऑप्शन ए नब्बे से एक सौ बीस दिन ऑप्शन बी एक से तीन दिन ऑप्शन सी आठ से बारह दिन और ऑप्शन डी एक दिन तो जो लाइफ प्लेटलेट की होती है वो होती है आठ से बारह दिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के वह क्या हैं ऑप्शन ए ग्लूकोज ऑप्शन बी लिपिड ऑप्शन सी फैटी एसिड और ऑप्शन डी अमीनो एसिड ग्लूकोज जो होता है जिससे हमें ए के रूप में एनर्जी प्रोवाइड होती है एनर्जी मिलती है वह ग्लूकोज से मिलती है लिपिड्स और फैटी एसिड ये फैट हैं ये क्या है फैट और जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन ये है अमीनो एसिड अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल कितना होता है ऑप्शन ए सेवेंटी से वन टेन एम पर डी तक ऑप्शन बी हंड्रेड से वन हंड्रेड ट्वेंटी एम पर डी ऑप्शन सी सिक्सटी से वन एट्टी एम पर डी ऑप्शन डी वन हंड्रेड ट्वेंटी से वन हंड्रेड सिक्सटी एम पर डी तो जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वह होता है ऑप्शन ए सेवेंटी से वन टेन एम एल पर डी एल सत्तर से एक सौ बीस एम पर डी होता है और नॉर्मल जो पोस्ट पेरेंट की बात करें तो वो हमारा एट्टी से एक सौ बीस एम पर डी होता है तो इसमें फास्टिंग की बात की गई है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर थैंक यू हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना